आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक लंबे अरसे के बाद मैं अपने गांव पहुंचा तो मेरी सारी परेशानियां और थकान जैसे पलों में ही गायब सी हो गई। गांव का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान अपनी सारी परेशानियों को भूलकर एकदम से खुश हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर मुझे कहाँ पता था कि जब इंसान की जिंदगी में खुशी आती है तो साथ ही साथ गम भी दरवाजे पर ही होती है। शाम का समय था, हम सारे घर वाले छत पर बैठकर चाय पानी पी रहे थे। क्योंकि मौसम गर्मी का था तो हम लोग छत पर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे। इसी दौरान हमारे बीच तय हुआ कि आज रात कौन कहाँ सोएगा, जिसके मुताबिक मैंने ये तय किया कि मैं आज रात छत पर सोऊंगा। मगर पता नहीं क्यों मेरे इस विचार से पापा जरा परेशान से लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग सा डर नजर आ रहा था। खैर, चाय पानी हो जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा, बेटा क्या जरूरत है छत पर सोने की, तुम हमारे कमरे में सो जाना। तो इस पर मैंने कहा, अरे पापा कुछ नहीं होगा, मैं आराम से सो जाऊंगा छत पर। हालांकि पापा नहीं मान रहे थे, मगर किसी तरह जिद करके मैंने उन्हें मना ही लिया। और रात का खाना पीना हो जाने के बाद मैं अपना बिस्तर लेकर छत पर पहुंच गया। गर्मी के मौसम में चल रही ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को काफी सुकून दे रही थी। खैर, मैंने फटाफट से अपना बिस्तर बिछाया और आराम से लेट गया। हमारा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कोई दूसरा घर नहीं था। बस हमारे घर के पीछे की तरफ एक शमशान था। हालांकि वो शमशान थोड़ी दूरी पर था, मगर छत पर से देखने पर साफ दिखाई देता था। और शायद इसीलिए पापा मुझे छत पर सोने से मना कर रहे थे। पर मैं इन सब बातों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं करता था। खैर, बिस्तर पर पड़े पड़े कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला, ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी, क्योंकि अब हवा जरा भी नहीं बह रही थी। साथ ही साथ मच्छरों ने भी मुझ पर हमला बोल दिया था। मुझसे इतनी भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और मैं अपने बिस्तर पर से उठकर छत पर ही इधर उधर टहलने लगा। चारों तरफ पूरा अंधेरा पसरा हुआ था, चांद की रोशनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी मैं टहलते टहलते छत के पीछे की तरफ गया, यानी जिधर शमशान था। तो मैं जैसे ही उस तरफ पहुंचा, मैंने देखा कि शमशान घाट में एक रोशनी चमक रही है। हालांकि उस शमशान घाट में रात को भी मुर्दों को जलाया जाता था, पर वो रोशनी किसी चिता के जलने की नहीं थी, बल्कि वो कुछ अलग ही था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गए कौन होगा। खैर, मैं उस रोशनी पर से नजर हटाकर इधर उधर देखने लगा, पर पता नहीं क्यों मैं कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बार बार मेरी नजर उस रोशनी पर ही चली जा रही थी। बहुत ध्यान लगाने पर भी जब मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो चीज है क्या, तो मैं वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया। अभी मैं अपनी जगह पर लेटा ही था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई छत पर टहल रहा हो, क्योंकि मैं किसी के कदमों की आवाज साफ तौर पर सुन पा रहा था। मैं तुरंत बिस्तर पर से उठकर बैठ गया और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा, पर चांद की रोशनी में छत पर मुझे और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा छत एकदम खाली था।
मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मैं वापस लेट गया, पर वो आवाज अभी भी मेरे कानों में आए जा रही थी। और ऐसी आवाज भी आ रही थी जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। मैं चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहा, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में मुझे अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे खींच रहा हो। मैं तुरंत उठा और जब सामने की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे पैरों को पकड़कर खींचे जा रहा था। उस आदमी की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ दो काले काले खड्डे थे। उसके सिर पर दो सींग निकले हुए थे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, जिसके बाद मैंने किसी तरह से उस आदमी से अपना पैर छुड़ाया और सीधे नीचे भाग गया। नीचे जाकर मैंने घर वालों को पूरी बात बताई, जिस पर पापा ने बताया कि दरअसल वो एक नर पिशाच था जो उसी शमशान में भटकता रहता है, और जो भी उसे देख लेता है वो पिशाच उसके पीछे पड़ जाता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात में छत पर नहीं सोया। कहते हैं कि आज भी वो पिशाच उसी शमशान में भटकता फिरता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।